नमस्कार, मैं हूं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे साथ खास मेहमान रवि भट्ट जी हैं और ये अयोध्या टाइम्स के भी यूट्यूब चैनल के हैं और लगातार ही सुर्खियों में चल रहे हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लगा। सर, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मेरी चाहत थी आपसे मुलाकात करना, लेकिन आज अचानक खबर के सिलसिले में आपसे मुलाकात हुई। मैं आपसे ये जानना चाह, जो नए नए जो है यूट्यूबर है, जो नए काम कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और मीडिया क्षेत्र जो, हाँ बोलिए, कंप्लीट कर दीजिए। मीडिया क्षेत्र जो है बहुत ही चुनौती है, उसमें बहुत ही संघर्ष स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष सर एक क्षेत्र में है, किसान अगर आप बनना चाहिएगा किसान बनने के लिए, उसमें भी संघर्ष है। फल जो है धान को रोपना पड़ेगा, 3-4-5-6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, बीच बीच में पानी खाद देना पड़ेगा, सूखा ना मार जाए, तमाम चीजों का। तो हर एक क्षेत्र में संघर्ष है और जो संघर्ष करके जो अपने आप को निखार कर एक फल के रूप में उभारे, फूल के रूप में निखारे, वही जो है कहीं ना कहीं वही इंसान होता है। तो संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, संघर्ष बिल्कुल करना चाहिए। रही नए यूट्यूबर की बात, तो पेशेंस लेकर आप लोग आइए। ये जो है कहीं ना कहीं तुरंत सक्सेस नहीं मिल जाएगी, सक्सेस के लिए आपको बहुत सारा समय व्यतीत करना पड़ेगा, कई ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जहां आप टूट भी सकते हैं। तो जो है धैर्य के साथ, धीरज के साथ और अपनी इच्छा शक्ति अनुसार धर्म के साथ जो है मर्यादित पथ पर चलें, जरूर आपका विकास होगा। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप जो है युवा है, आप लगातार आप इतने संघर्ष, आपकी जो पत्रकारिता है निडर पत्रकारिता, वो आपको देखते हैं मेरे अंदर एक ऊर्जा लगती है कि आप बहुत ही अच्छा लगता है कि सत्य के साथ आप जीवन भर रहिएगा तो आपके अंदर भी बोल्डनेस आ जाएगी। देखिए, कहते हैं हमारे सब, क्या है कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर अगर चोरी करता है तो खुद ही डरा रहता है, अगर आप सत्य है तो सत्यता के साथ अपने बात को अगर सामने रखेंगे तो आपके अंदर निडरता जो है कहीं ना कहीं वो दर्शेगी और उसकी छाप जो है दूसरे के ऊपर छोड़ जाएगी। तो वहां पर आपका एक नया जन्म होगा, नया विकास होगा और आप किस तरीके से वहां से अपने आप को बेहतर कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सच्चाई के साथ रहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। कॉन्फिडेंस सबसे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सच्चाई पे रहेंगे। आप लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं, लगातार देखता रहता हूं। सुर्खियों में रहने का कारण है प्रेम लोगों का और लोगों के बीच में पहुंचकर जनता की आवाज, जनता की जो आपने आवाज उठाते हैं और जनता का पूरा सहयोग रहता है, लगातार आप प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। जी हाँ, ये छोटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर खबर पे आप दिखते हैं। कारण यही है कि घर परिवार से नाता कम हो गया है जब से इस क्षेत्र में आए हैं, लोगों से और लोगों के कार्यों से ज्यादा नाता और जुड़ाव हो गया है। तो लोगों के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ, जो लोगों ने जिम्मेदारियां दी है उसको निभाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये जिम्मेदारियां जनता देती है। तो उस तरीके का हमको माना है, लोगों को लगता है कि हम उनके लिए अच्छा करेंगे, तो उस जन्म में उस जिम्मेदारियों को समझकर, अपना समझकर उसका निर्वहन करना मेरा मौलिक अधिकार और मेरा दायित्व है, उसी को मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने इतना समय देखा, आपके लिए पूरा समय है, बुलाइए न्योता होता पे किसी दिन। अरे बिल्कुल, आपसे बुलाते रहते हैं। और आज कुछ बिहार के बारे में बता सकते हैं? बिहार देखिए, बिहार में बहार है और हरदम बहार रहती है। देखिए, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बिहार के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बिहार के लोग जो है बहुत प्रेम करते हैं। बिहार में एक इंडस्ट्री है, भोजपुर इंडस्ट्री, पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र आते हैं तो वहां पर भी लोगों का प्रेम मिलता है और बिहार के लोग जो है वो निरंतर आपको पुश करते हैं कि आप आगे बढ़िए। बिहार के बारे में और क्या कहें, बिहार आर्यभट्ट जो है तमाम लोगों की जन्मस्थली है, तमाम लोगों ने वहां पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति गांधी जी ने वहां से जो है एक यात्रा शुरू की थी, सत्याग्रह यात्रा चंपारण से। तो वहां से शुरू से ही जो है आजादी से पहले और आजादी के बाद वहां का इतिहास स्वर्णिम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में मैं कहने वाला थोड़ा सा सोचूं और पूछूं। जी बिल्कुल, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जैसे निर्भीक पत्रकारिता को दिल से सैल्यूट करता हूं, आप जैसे युवा को मैं दिल से सलाम करता हूं, जाबाज पत्रकार को जय हिंद जय भारत।